हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग विद नीरज। गाइस, अभी मैं धौला कुआं से निकल चुका हूँ जयपुर के लिए। इस सुबह के बज रहे हैं 4। मैं पहुँच चुका हूँ चांदपोल बस स्टैंड, जो कि जयपुर में है, और मैंने रेड बस से बुक किया था विकास ट्रेवलर्स। ना सुबह तो कोई भी टूरिस्ट प्लेस ओपन नहीं होता है, तो मैं अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ जयपुर स्टेशन। थोड़ी देर वेट करूँगा, फिर फ्रेश होकर निकलूँगा। अभी इस तरफ से आया हूँ मैं चांदपोल से, और ये सामने दिख रहा है जयपुर स्टेशन। सीधा देखिए जयपुर जंक्शन, ये अपना इंडियन फ्लैग दिख रहा है। मॉर्निंग गाइज, फ्रेश होकर मैं निकल चुका हूँ मेट्रो जयपुर, जो मेरे पीछे है। अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ हवा महल, और इधर है रेलवे स्टेशन जस्ट इसके पीछे। इधर आप उधर से आओगे या आप इधर से आओगे, ये मिल जाएगा मेट्रो। गाइस, मेट्रो स्टेशन। ये दोस्तों जयपुर मेट्रो के ऊपर आ गया हूँ मैं। ये एक नंबर पे आएगी बड़ी चौपाड़ की तरफ, जो कि यह जाएगी हवा महल, और मैं इस तरफ जा रहा हूँ बड़ी चौपाड़ एक नंबर। काफ़ी एक्साइटेड हूँ यार, आज तक मैं कभी नहीं गया जयपुर के मेट्रो में, आज फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो एक्साइटमेंट काफ़ी है। मैं इधर का व्यू दिखाता हूँ आपको। एज कम्पेयर टू दिल्ली, यहाँ का मेट्रो में काफ़ी भीड़ कम है। आई एम सो एक्साइटमेंट टू सी हवा महल इंदर बनता है। तो वेलकम टू पिंक सिटी जयपुर। भाई ऐसी तो यार, मतलब आदमी काफ़ी कम है, और यहाँ आप मतलब आराम से घूम सकते हो। दिल्ली में तो आपको है ही पता भाई कितना भीड़ रहता है। दोस्तों, अगर आप हवा महल मेट्रो से आना चाहते हैं, तो आपको रेलवे स्टेशन से आना पड़ेगा बड़ी चौपाड़ मेट्रो। आप जब निकलोगे मेट्रो से, तो ये सामने रहा आपको हवा महल। ये रहा सामने, वाओ, खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ। हवा महल, इट इज़ ऑल्सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ जयपुर एंड सो फेमस प्लेस ऑफ जयपुर। आई एम हेयर टू एक्सप्लोर इट, बट राइट नाउ इट क्लोज। अभी हवा महल ओपन नहीं हुई है, अभी हो रही है टाइम 7:30, तो इसलिए मैं अभी निकल रहा हूँ आमेर किला और जल महल। यहाँ से निकलती है बस 29 नंबर बस जाती है, जस्ट ये रहा मेरे पीछे हवा महल, और यहाँ पे स्टॉप है। यहीं से मैं जाऊँगा अभी जल महल, आमेर किला, उसके बाद फिर आऊँगा तो जाऊँगा जंतर मंतर, और फिर जाऊँगा हवा महल में। ये बस है पधारो मारो देश रे थारो। तो दोस्तों, मैं अभी आ चुका हूँ जल महल पे, और ये जयपुर के मानसागर झील पे है।
आप देख सकते हो बिल्कुल बीच में है ये। आइए मैं दिखाता हूँ आपको नज़दीक से। जल महल जो कि राजा जय सिंह के द्वारा बनवाया गया था, और इसे आई बॉल भी कहते हैं, रोमांटिक महल भी कहते हैं। तो अब जल महल देखने के बाद मैं अभी आ चुका हूँ आमेरी किला पे, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और काफ़ी जयपुर का फेमस जगह है। तो यहाँ पे बहुत सारे बॉलीवुड मूवी की शूटिंग हुई है, लाइक भूल भुलैया, जोधा अकबर, मुगले आज़म, शुद्ध देसी रोमांस और बाजीराव मस्तानी, और कुछ हॉलीवुड मूवी की शूटिंग भी हुई है, लाइक मैरीगोल्ड होटल्स। आमेर की किला पे ऊपर चढ़ रहा हूँ, काफ़ी हाइट पे है, ये देखो वहाँ पे, बट लोकेशन काफ़ी ऑसम है गाइज, बिल्कुल आप भी आओ यहाँ पे। रखपुतों की शान, राजस्थान, जयपुर। जा रहा हूँ महावटा लेक, और मेरे ठीक सामने है अमर फोर्ट। काफ़ी हॉरेबल एडवेंचरल एक्सपीरियंस रहा, अभी है फिलहाल बिल्कुल। ये देखिए मुझे अगवाड़ा फोर्ट याद आ गया गोवा का, वो भी थोड़ी हाइट पे थी। चल, मैं अभी आमेर फोर्ट के मेन गेट पे आ चुका हूँ, और ये किला का बनावट ऐसा है जैसे बाहर से लगता है कि मुग़ल शैली से बना हुआ है, और अंदर से पूरा राजपूताना शैली। एक तोप लगी हुई है गाइस, उधर हाथी। इस महल में कुल चार चौक है, उसमें से एक है जलेब चौक। यहाँ का नज़ारा तो काफ़ी खूबसूरत है, आप देख सकते हो, और यहाँ का एंट्री फी है 100 रुपीज़, ये देखिए। और आमेर फोर्ट की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से 5:30 बजे तक, और फिर शाम में ओपन होती है 6 के बाद। ये रहा शाम में यहाँ का मुख्य आकर्षण। अगर आप फोटो शूट के शौकीन हैं या इंस्टा रील्स के, तो ये लोकेशन आपके लिए जन्नत है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे दिखेंगे जो वेडिंग शूट के लिए आए हुए हैं। तभी तो गाइस ये 2013 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है। और ये है हमाम स्नान घर, यहाँ के शाही परिवार के स्नान के लिए जगह है। आमेर फोर्ट के मुख्य आकर्षण में एक है दीवाने खास, जो कि पूरी कांच का बना हुआ है, और इसे शीश महल भी कहते हैं। उस टाइम पे इसका कांच जो कि बेल्जियम से मंगाया गया था, और राजा जय सिंह के द्वारा ये बनवाया गया, और ये मित्र राजा और राजदूत से मिलने का एक स्थान हुआ करता था। आप देखिए कितना औसम लग रहा है देखने। ये विंडोज है, एक गुटखा खा के फेंका हुआ यार, हद है आदमी से। ये सामने रहा तुलसी का पेड़, जो कि काफी पुराना है। भाई कैसे कैसे रास्ता है यार, ये देखो। ओह गॉड, ये देखो। मानसिंह महल, ये जगह उस टाइम पे वाटर स्टोर के लिए यूज किया जाता था, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे।